बसपा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पार्टी है, लेकिन वो टिकट अच्छा आदमी को नहीं देता है। मतलब जो काम कर सकता है मतलब उसको नहीं देता है, जो काम नहीं करता है उसको दे देता है। तो और भाजपा के जो सुन रहे होंगे उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति चल रही है बड़दुमसा डायन की, इसमें आपका जवाब क्या रहेगा? कौन बेहतर लीडर है? ये तो निकमिंग है। हमको में कहा गया लोगों द्वारा कि सामलो मोसांग द्वारा भी कुछ नहीं किया गया, पूर्व विधायक निक कमिंग द्वारा भी कुछ नहीं किया गया, तो सड़क की तो एक समस्या तो देखा है। निक कमिंग अच्छा है बोल के आस आए ज्वाइनिंग करने के लिए, इसके लिए ज्वाइनिंग प्रोग्राम चल रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि बीजेपी और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ जो पूर्व विधायक निक कमिंग हैं उनके पार्टी को ज्वाइन किया जा रहा है। तो काफ़ी लोगों का ये प्रश्न था और लोग चाहते थे कि भाजपा से जो यहाँ ज्वाइन कर रहा है उससे कुछ प्रश्न किया जाए। तो हमने ढूंढा इन्हें और अब कुछ सवाल है जिनका हम कोशिश करेंगे इनसे जवाब लें। नमस्कार, आपका स्वागत है राष्ट्र दृष्टि में। आपका नाम बताने के बताइए। मेरा नाम तांगलेप सिंह है, हम दबको बस्ती के हैं। दबको बस्ती से ये बताइए कि आज आप किस यहाँ प्रोग्राम में क्यों आए थे और आने का मेन कारण क्या था इस प्रोग्राम में? पहले बात तो मैं राष्ट्र दृष्टि चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले में हम बीजेपी में था, जो कि हम लोग का बोर्डमसा का विधायक कॉन्टेस्ट किया था जौरा, तो हम उसका पार्टी में था। कितने साल आपने बीजेपी में कितना वक्त बिताया है? जी अभी तक 10 साल। आगे ये जानना चाहेंगे कि भाजपा से आप आए हैं, मगर क्या है किसी भी पार्टी में एक अलग अलग पोजीशंस रहते हैं, ठीक है? कुछ पोजीशंस रहते हैं जिसमें दायित्व कुछ दिया हुआ रहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई रहती है। आप जो बीजेपी में थे आप किस पोजीशन में थे? जी मैं तो एक कार्यकर्ता था, इतना बड़ा मेंबर तो नहीं था लेकिन कार्यकर्ता था। तो इस बार आपने क्यों निर्णय लिया पार्टी चेंज करने का, या इस तरफ क्यों आए, उसे क्यों छोड़े? जी मैं बीजेपी को बहुत पसंद करता हूँ और बीजेपी को जब भी मेरा टिकट मिलता है वो गलत आदमी को दे देता है। मतलब जिसको देना चाहिए उसको नहीं देता है। अभी निक कमिंग सर बहुत अच्छा है, वो काम भी किया है, वो जितना काम किया है शायद कोई नेता नहीं किया अभी तक। वो 5 ईयर्स में बहुत सारा काम किया है जो कि अभी फिलहाल अलग अलग आदमी ले रहे हैं। मतलब काम वो कर रहे हैं लेकिन नाम अलग का हो रहा है। तो हम लोग ने देखा है निक कमिंग अच्छा है बोल के आस आए ज्वाइनिंग करने के लिए, इसके लिए अपने काम का बात बताया। तो इसी बीच क्या है, एक सड़क है खेरमबिसा रोड, ठीक है? खेरमबिसा रोड जो था काफ़ी दिनों से वहाँ के लोग वहाँ का जो रास्ता है उससे परेशान है। विजुअल्स इस अपडेट में भी अगर इंक्लूड किया जाए तो लोग देख पाएंगे कि कितना दिक्कत होगा। आप गाड़ी तो छोड़ो, आप साइकिल लेके भी शायद अच्छे से नहीं चल पाएंगे। वहाँ पे हमने कोशिश किया था, शायद भाजपा का ही कुछ कार्यक्रम चल रहा था और हम उस तरफ गए हुए थे, तो हमने पूछा कि इस सड़क पे वहाँ के लोगों क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो लोगों ने कहा कि 10-20 साल से सड़क का सेम स्थिति है। उसमें कहा गया लोगों द्वारा कि सामलो मोसांग द्वारा भी कुछ नहीं किया गया, पूर्व विधायक निक कमिंग द्वारा भी कुछ नहीं किया गया, तो सड़क की तो एक समस्या तो है। तो चलिए, एक तो मैंने बताया जहाँ पे लोगों को दिक्कत है उनका कार्यकाल हो या वर्तमान विधायक का कार्यकाल हो, लोग वो सड़क को लेकर असंतुष्ट है। कहाँ काम हुआ है उस पर आप बता दीजिए। जी मैं आशा करता हूँ इस बार अगर निक कमिंग जीते तो वो रास्ता शायद बन सकता है। हम वो मतलब जितना समलोंग मोसांग जो 5 ईयर्स किया है वो भी कुछ नहीं किया है, निक कमिंग सर भी 5 ईयर्स तो किया है लेकिन वो काम तो बहुत किया है, रास्ता बहुत बनाया है, लेकिन ये वाला रास्ता जो खेरमबिसा रोड जो वो तो शायद बन सकता है इस बार अगर जीतने से। और क्या लगता है, आपने बताया कि भाजपा को आप पसंद करते हो मगर फिर भी आप यहाँ आए हुए हैं, तो पसंद करते हैं तो और भाजपा के जो सुन रहे होंगे उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बसपा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पार्टी है, लेकिन वो टिकट अच्छा आदमी को नहीं देता है। मतलब जो काम कर सकता है मतलब उसको नहीं देता है, जो काम नहीं करता है उसको दे देता है। गया बार भी आप अगर अच्छा आदमी को टिकट देने से तो भाजपा जीतना ही था। इस बार भी अभी चांस है, अगर निक कमिंग सर को अगर टिकट मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। आपको कहना है कि टिकट भाजपा जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वो गलत करती है। जी, जी, जी। तो
कोई भी पार्टी हो, पार्टी तो पहले सर्वे करती है और टिकट ऑब्वियसली उसी को देते होंगे जहां वो लोग को लगता होगा ज़्यादा चांसेस है जीतने का, क्योंकि कोई भी हारने के लिए तो नहीं देता होगा। फिर काफ़ी लोगों का तो ये भी कहना है ना कि जैसे बोर्दमसर डायन क्षेत्र जो है, कहा जाता है कि यहाँ के जो मालिक सिंगफो हैं और एक आइडियोलॉजी के तहत, तो उस हिसाब से सिंगफो को टिकट मिलना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या ये सही नहीं है या कैसे, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी तक फिलहाल पहले टाइम में सीसी सिंगफो एक लीडर था सिंगफो का, अभी तक मतलब अच्छा लीडर नहीं आए सिंगफो से। शायद वो अभी मायूंग मायो हो गया, जोरा मायो हो गया, वो लोग मतलब पसंद नहीं करते आदमी लोग, करता तो है लेकिन मतलब ज़्यादा आदमी सिंगफो का ट्राइब होने से भी मतलब सिंगफो आदमी लोग पसंद नहीं करते, कम मतलब 40% 30% ऐसा पसंद करते हो उसको, 60% तो पसंद नहीं करते वो लोग को। चाहे तो अच्छा लीडर आइए सिंगफो का, हम लोग साथ में साथ देगा हमेशा सिंगफो को जिताने के लिए। अभी ये सिंगफो का एरिया ही है। आपने तीन लीडर्स का नाम बताया सिंगफो जनजाति के अंतर्गत जो सिंगफो जनजाति से आते हैं, तो वो तीनों लीडर में आपके हिसाब से बेहतरीन लीडर कौन था? कौन सा तीनों वाला? सीसी सिंगफो, जोरा मायो, मायोंग मायो, ये तीन नाम आपने बताए ना। बेहतर सीसी सिंगफो लगता है हमको। वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति चल रही है बोर्दमसर डायन की, इसमें आपका जवाब क्या रहेगा, कौन बेहतर लीडर है? ये तो निकमिंग है हमको लगता है, और हम देखा भी है मतलब अच्छा डायनेमिक लीडर है, वो काम भी बहुत किया है, और शायद इस बार सब मिल के जिताने से तो और अच्छा काम करेगा वो। राष्ट्र दृष्टि से बात करने के लिए धन्यवाद। इनसे हमारी बातचीत आपने सुना, और चुनाव आ रहा है तो ये सवाल तो कॉमन रहता ही है कि आप किस लीडर को पसंद करते हैं। इन्होंने क्या कहा वो आपने सुना, आप क्या सोचते हैं और आप किसे पसंद करते हैं ये भी हम जानना चाहते हैं, और हर वो दर्शक जानना चाहता है, दर्शक के रूप में देखना चाहता है कि सामने वाला किसे पसंद करता है, और कुछ दर्शक नीचे कमेंट के रूप में पढ़ना भी चाहते हैं कि लोग कमेंट में भी किसका नाम लिख रहे हैं। तो आप राष्ट्र दृष्टि देखते रहिए और कमेंट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए राष्ट्र दृष्टि। बीत गए वो 5 साल, दोबारा आ रहा है लोकतंत्र का वो त्योहार जिसे चुनाव कहा जाता है। किसी को गद्दी पर बैठाने के बाद आप आज कहां खड़े हैं? आ रहे हैं हम आपके बीच, आपसे जानने आपकी राय। वही दिखेगा जो आप बताएंगे, वही सुनाई देगा जो आपकी आवाज होगी। आ रहे हैं हम आपके बीच आपसे पूछने कि क्या थी उम्मीदें, और जिन्हें कुर्सी पे बैठाया गया था आपकी उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरे। मिलते हैं जल्द ही आप ही के बीच, आ रहे हैं हम आपसे पूछने आपकी राय।